और विकेट कीपर अब बदल दिखे हैं। अब ऐसा लगता है कि बोर हो गए विकेट कीपिंग करते करते आदर्श, अब आप गेंदबाजी करेंगे। सही मायने में ऑलराउंडर है। कैप्टन ऑफ बंगाल जिशु अप अगेंस्ट आदर्श, बिल्कुल सही कहा आपने, द ट्रू ऑलराउंडर, बहुत कम देखने को मिलते हैं आज की इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखेंगे तो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोट अनकोट ट्रू ऑलराउंडर हैं, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी भी करी है, बल्लेबाजी, विकेट कीपिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं करते हैं। फील्डिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं। यही बात है, चलती का नाम गाड़ी है, कप्तान है तो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर सही मायने में मेरे से आप पूछे कि कौन कंप्लीट क्रिकेटर है तो एबी डिविलियर्स से बेहतर मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। विकेट कीपिंग, गेंदबाजी, आपने उनकी देखी नहीं है, और हर स्पोर्ट में, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट में, हॉकी में वो साउथ अफ्रीका की टीम में थे, रग्बी में वो साउथ अफ्रीका के स्कूल बॉयज़ की टीम में थे, गोल्फ स्क्रैच हैंडीकैप में से खेलते हैं जो कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, और क्रिकेट में तो लेजेंड बन चुके हैं। टेस्ट में 50 प्लस की एवरेज और कप्तानी, और मुझे लगता है कि सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो। और अगले जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी ग्रेटनेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। माइकल क्लार्क के साथ साथ ये युवा है जो है खिलाड़ी हैं, ये ग्रेट माने जाएंगे कुछ साल के बाद। और आदर्श जो है, मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में अगर क्लोज बॉलिंग एक्शन को स्क्रूटनाइज किया जाए तो हल्का सा कुछ मोड़ जो है वो कोहनी में मुझे नजर आ रहा है। हालांकि सीसीएल में ज्यादा पता नहीं लगेगा, छुप जाएंगे, पर सीधी करनी पड़ेगी बाजू। एक चीज है जो मैंने अभी तक किसी भी बंगाल के बल्लेबाज को नहीं देखा करते हुए, वो है अपना फ्रंट फुट अक्रॉस ऑफ स्टंप की तरफ लेके जाते हुए, सबका पांव जो है सीधा निकल रहा है और बल्ला दूर से जा रहा है। कोई भी बल्लेबाज अभी तक गेंद की तरफ पांव नहीं बढ़ा रहा। अगर आप जाएंगे ही नहीं तो आप कनेक्ट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, दो खिलाड़ी और बाहर। जैसे आपने पूछा जवाब दिया बल्लेबाज ने आपको। नहीं, ऐसे अगर करेंगे तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस खड़े होकर सिर्फ घुमाते रहिए। इसलिए है कि मुझे लगता है कि जब आप श्योर नहीं रहते, टेक्निक पूरी तरह से आपकी कॉम्पैक्ट नहीं है, तो आप रूम बनाना चाहते हैं अपने फ्रंट लेग को आउट ऑफ द वे करते हैं, ऐसे वही घुमाने के लिए बैट का स्विंग पूरा आ जाए। पर आप कभी तो वे में डालेंगे उसको। ये शॉट देखे कुछ आपकी बल्लेबाजी की छलकियां निकल कर आई हैं। बिल्कुल परफेक्ट शॉट है, लग गया तो परफेक्ट, नहीं तो ब्रिलियंट एफर्ट, नहीं तो परफेक्ट गेंदबाजी। जी हाँ, लेकिन जिशु ने शैकल जरूर तोड़े पहला छक्का मार के। इसे काउ शॉट कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में जब खेलते थे तो मिड विकेट के पीछे खेत होते हैं, तो वहाँ गाय घूमती रहती है, इसे काउ कॉर्नर कहा जाता है, तो ये काउ शॉट था। अब तो बॉल बॉयज बॉल लेकर आ जाते हैं, उस जमाने में कौन लेकर आता था? आप इंग्लिश काउस को जानती नहीं, बहुत ट्रेंड होती है। हाँ, मैंने उस जमाने में क्रिकेट जरूर नहीं खेली, इंग्लैंड में जरूर खेली है, लेकिन जब तक मैं खेलने गई थी तब तक स्टेडियम बन गए थे, दीवारें बन गई थी, और हमने कौन सी दीवार के बाहर बॉल मारी थी जो इतनी दूर से कोई बॉल लानी पड़ती। पर यह जरूर है कि जिस तरीके से अब जॉय और जिशु के बीच में सडन एक्साइटमेंट बढ़ गया है, हो सकता है कि क्लोजिंग इन ऑफ द हाफ वे मार्क बंगाल टाइगर्स रियली लुकिंग टू स्टेप अप द एंटे। यू नीड दैट काइंड ऑफ अ स्पार्क, एक मोमेंटम जब बन जाता है तो उसी में आपको चलते रहना चाहिए। फिलहाल हाफ वे मार्क पहुंच गए हम, 63 पे 2।
Triple X Energy Drink, CCL, powered by Parlay 2020 Cookies. Bengal Tigers reaching the halfway mark, 63-2. Joy batting out there in 34, and Jishu giving joy to the spectators and to his supporters by a huge towering six and a boundary to follow it up. Akhil, Telugu team ke captain, second over ki shuruaat karne ke liye aa rahe hain wapis. Samay lete hue apna ground aur apni field set karne mein. Isi beech mein thoda sa hame bhi samay mila hai ki hum baakiyon ko bhi samay dein settle hone ka. Isliye commentary team thodi si badlav karti hui aur ab Ajay Mehra aur Rohan Gavaskar aapke saath agle 5 overon ke liye. Thanks a lot, Anjum. 63 पे दो बंगाल टाइगर्स, 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. औसत अगर आप देखें अब 6 से ऊपर की, जिशु और जॉय अभी क्रीज पे, दोनों जे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. दोनों अब बेहतरीन बैट्समैन है. एक अच्छा लॉन्चिंग पैड बंगाल टाइगर्स के लिए, पर महत्वपूर्ण बात यही है कि अब अगले 10 ओवर में कितने रन बना पाएंगे और क्या टारगेट दे पाएंगे तेलुगु वॉरियर्स की टीम को. बहुत ही बढ़िया लाइन चकमा दिया. At the moment we'll go down to Galen who's standing by the boundary side. Well, it's getting quite cold here in Hyderabad, but to help me raise the temperature, I have the very beautiful brand ambassador of the Bengal Tigers, Payal. Firstly, welcome Payal. First game for the Bengal Tigers. I don't just hit a six right there. Tell me, how excited are you to watch your team play here for the first time at the CCL? First of all, a very good evening to everybody, and it's HeroCycle Bengal Tigers. And I'm very happy to be here because they are playing really well this time. And you know what, the first match is always very crucial. You know, it sets you, actually it sets your mood, it sets your temperament. So I guess, you know, they are doing fine. I mean, just hope for the best that they win this match. Absolutely, you said it absolutely right when you said it sets the tempo in a way. Well, the boys are working really hard out there, and I'm sure you guys from right here are really, really cheering them on. So tell us a little more about the support that you guys are giving them. So we are supporting them, obviously, that's why we are here. And you know, this, you know, like these guys, I want to tell you one thing, that these guys are really passionate about cricket. I mean, you can see them. Actually, you know, like, you know, that energy, that passion is there with everyone. So I guess, look, this time they really win. I'm sorry, what do you think? Do actors make good cricketers? Just a candid question. What do you think? Why not? If you're passionate about something, you'll do good, right? And all the Bengal Tigers are pretty passionate out here, isn't it? Yeah, Bengalis are passionate about sports. So cricket is, I guess, is the most popular sports within Bengalis. So finally, these Bengal Tigers, I guess, they're doing fine. We can't help but notice that the Telugu Warriors have a lot of home support here. Do you think that's going to work in their favour, or they're going to put a lot of pressure on the team? No, I think, you know, like, yes, a match in a home ground is a different thing altogether. But, you know, once you are, like, you're there, like, you are, I mean, you have decided, you know what you want to do. I mean, it's fine. Whether it's a home ground or it's not, doesn't matter. Thank you very much, Payal. For now, it's over to commentary. तो रन आते हुए बंगाल टाइगर्स के लिए, और ये उनके लिए अच्छी खबर है. औसत अगर आप देखें अब 7 से ऊपर जाती हुई, और ये ओवर काफी बढ़िया साबित हुआ है. 13 रन आते हुए 5 गेंदों में मुस्कुराते हुए यहाँ पे जिशु जो कप्तान भी है. पिछली गेंद पे अंदरूनी किनारा, लाइन बहुत बढ़िया थी अखिल द्वारा, पर अंदरूनी किनारा बाल बचे, पर महत्वपूर्ण बात 4 रन आए. इस बार उठा के खेला है, बहुत ही बढ़िया प्रहार और मैक्सिमम 6 रन. बेहतरीन ओवर साबित होता है बंगाल टाइगर्स के लिए. 19 रन आए 82 पे 2.
जॉय ने अच्छा कार्य